हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लेसन्स बाय शिवानी, जिसकी आज की वीडियो में हम ये दो रंग का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। बहुत सुंदर ये डिज़ाइन लगता है जब इसे वुलन प्रोजेक्ट पे अप्लाई किया जाता है। आज हम इसको सीखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 3 के मल्टीपल में +2 फंदे लेने हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई में 35 फंदे लिए हुए हैं, 3 के मल्टीपल में 33 +2 35। चलिए इसकी फर्स्ट रो बनाते हैं। बेसिकली ये छः हमारी 6 सलाइयों का ये पैटर्न है। देखिए, हमने इसको 2 कलर में बनाया है। पहले हमने इन 6 सलाइयों को वाइट कलर में बनाया, फिर रेड में और फिर वाइट में। अब हम आपको ये 6 सलाइयाँ रेड कलर में बनाकर दिखाएंगे। आप चाहें तो इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। देखिए, राइट साइड से ही पैटर्न शुरू होगा और जो राइट साइड की फर्स्ट रो है ये पूरा सीधा सीधा बुनते हुए हमें कंप्लीट कर लेनी है। निट वाइज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये डिजाइन हमने 2 कलर में बनाया है। आप चाहें इसे मल्टी कलर में या 3 कलर में, जितने भी कलर आपके पास हैं उसमें बना सकते हैं। देखिए, राइट साइड रो 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब रॉन्ग साइड में आ जाते हैं, रो 2 के लिए। इसमें भी हमें निट वाइज ही करना है। इसमें सारे फंदों को सीधा बुनते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, रॉन्ग साइड है लेकिन इसमें बुनाई हम सीधी कर रहे हैं। चलिए इस रो को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, 2 सलाइयाँ हमारे डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब थर्ड रो के लिए हम राइट साइड में हैं। यहाँ पर पहला फंदा हम सिंपल सीधा बुनेंगे। देखिए, इसको हमने सिंपल रखा है, ये एक्स्ट्रा है, इसको हम डिज़ाइन में काउंट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद सारे फंदों को हम दो दो लपेट के बुनेंगे। ये देखिए, एक बार और ये 2 बार। देखिए, इस तरह से डबल हमारे फंदे बनते चले जाएंगे। ये एक बार 2 बार सारे फंदों को बुनेंगे। पहला और आखिरी फंदा हमने सिंपल रखा है, ये एक्स्ट्रा फंदा हमने लिया है, इसको हम सिंपल ही रहने देंगे। देखिए, 2 बार धागा घुमाते हुए हमें इन फंदों को बनाना है। देखिए, सारे फंदों को हम इसी तरह से बना रहे हैं, कोई भी इसमें बीच में सिंपल फंदा हमने नहीं रखना है।
ये देखिए, जब लास्ट फंदा आएगा इसको हम सिंगल बुनेंगे, एक ही बार लपेटा हमने और इसको हमने सिंगल बुन दिया। देखिए इस तरह से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। रॉन्ग साइड में आ जाते हैं रो फोर के लिए। यहाँ पर हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए कैसे, ये पहला फंदा हमें सिंपल बुनना है, इसको हमने देखिए उल्टा बुन दिया, सिंगल ही बुना है। इसके बाद तीन फंदों को हम खोल लेंगे, दो और तीन। तीन फंदों को खोलने के बाद एक साथ इन तीनों फंदों को हमने सिलाई पे लेना है और उल्टा बुनना है। इन फंदों को हम एक साथ ही तीन बार बुनेंगे। कैसे बुनेंगे ये देखिए, पहले हमने इनको उल्टा बुना, इसके बाद धागा पीछे ले गए, इन्हीं तीनों फंदों को हमने सीधा बुनना है, फिर से धागा आगे लाएंगे और इन्हीं तीनों फंदों को हम दोबारा से उल्टा बुनेंगे। देखिए फिर हम इनको सिलाई से उतार देंगे। तीन फंदे हमने बुन एक साथ लिए थे और हमने तीनों फंदे यहाँ पर अपनी सिलाई में बना लिए हैं। देखिए फिर से बनाएंगे, तीन फंदे खोल लेंगे, तीनों को एक साथ सिलाई पर लेंगे, पहले उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, सीधा बुनेंगे, धागा अपनी साइड लाकर इन्हें फिर से उल्टा बुनेंगे, तीनों को छोड़ देंगे। अब देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा बनता चला जाएगा। देखिए पहले हमने इनको उल्टा बुना, फिर धागा पीछे सीधा बुना, फिर धागा हमारी साइड लाकर उल्टा बुनेंगे। पूरी रो को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो फोर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रो फाइव के लिए आ गए हैं राइट साइड में। यहाँ पर फिर से हम इसको निट वाइज कंप्लीट करेंगे, सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए एक एक करके हमने सारे फंदों को सीधा बुनना है। यहाँ पर हम रो वन को रिपीट करेंगे, रो वन और रो टू को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। रो फाइव और रो सिक्स में रो वन और रो टू को रिपीट करेंगे। देखिए रो फाइव कंप्लीट हो चुकी है। अब रो सिक्स में आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। यहाँ पर हम रो सेकंड को रिपीट करेंगे और सारे फंदों को फिर से सीधा बुनेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, इसमें चार सलाइयाँ हमारी बिल्कुल सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट हो गई हैं। सिर्फ दो सलाइयों में हमने इसमें डिज़ाइन डाला है। बहुत इजी डिज़ाइन है ये। चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए डिज़ाइन की हमारी छह सलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब इन्हीं छह सलाइयों को आप मल्टी कलर में रिपीट कर सकते हैं, या फिर जैसे कि हमने दो कलर लिए हैं, अब इन्हीं छह सलाइयों को हम व्हाइट कलर में रिपीट करेंगे, फिर से रेड में रिपीट करेंगे, तो ये डिज़ाइन हमारा बनता जाएगा। आई होप ये आपको पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।